जहाँ पर आप बैठे हुए हैं यह मंदिर द्वापर युग का है और द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ है। ये उस महाभारत युद्ध से यह मंदिर ताल्लुक संबंध रखता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टूरिंग क्राफ्ट व्लॉग्स। आज हम फिर आ गए हैं आपके पास एक नया वीडियो लेकर के। इसमें हम अखनूर के दो काफी प्राचीन मंदिरों के आपको दर्शन करवाएंगे और उनकी कथा के बारे में भी बताएंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन हम इसमें आपको काफी जानकारी देने वाले हैं, तो आपसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखें। पहला मंदिर जहां के दर्शन हम करने जा रहे हैं वो है प्राचीन पांडव मंदिर। यह मंदिर एक गुफा के अंदर बना हुआ है। यहाँ की मान्यता ये है कि पांडव अपने अज्ञातवास में इसी गुफा में रहते और भगवान शिव की पूजा करते थे। मंदिर की गुफा से एक गुप्त रास्ता अमरनाथ में बाबा बर्फानी जी की गुफा में जाकर के निकलता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक शिला पर चरणों के निशान दिखाई पड़ते हैं। कहा जाता है ये निशान भगवान श्री कृष्ण के चरणों के हैं, जो कि यहाँ पांडवों से मिलने अक्सर आया करते थे। स्क्रीन पे दिख रहा शिवलिंग पांडवों द्वारा ही स्थापित किया गया था और ये शिवलिंग करीब करीब 5000 साल पुराना है। पांडव इसी शिवलिंग की पूजा करने इस गुफा में आते थे। 500 पांडव जिनमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल सहित द्रौपदी जी की मूर्तियां भी इस मंदिर के अंदर स्थापित की गई हैं। मंदिर के अंदर बजरंगबली जी की भी एक मूर्ति है जिसकी पूजा श्री भीम करते थे। जिस गुप्त रास्ते की बात हम कर रहे हैं वो गुप्त रास्ता अब बंद कर दिया गया है, जो कि कभी यहां से अमरनाथ के लिए निकलता था। प्राचीन पांडव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आए हैं द्वापर युग के श्री कामेश्वर महादेव मंदिर में। इस मंदिर में आते ही हम सौभाग्य से दर्शन कर पाए महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत रामेश्वर दास जी महाराज जी के, जिन्होंने इस पावन मंदिर के इतिहास और महानता का वर्णन विनम्र भाव से अपने श्री मुख से किया। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं यह मंदिर द्वापर युग का है और द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ है। ये उस महाभारत युद्ध से यह मंदिर ताल्लुक संबंध रखता है। महाभारत का युद्ध जो हुआ है वो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ है। कौरव हुए हैं 100, पांडव हुए हैं 5। पांडवों में से हुए हैं भीम, भीम का बेटा हुआ है घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा हुआ है बर्बरीक, जो भगवान शंकर का बड़ा भक्त था और उसका राज्य कश्मीर में था। वो कश्मीर से कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध को देखने के लिए पहुंचा, तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने उस वीर का परिचय पूछा। तब वीर ने परिचय दिया कि मैं कश्मीर का राजा हूं और जो युद्ध होने जा रहा है इसको देखने की लालसा से यहां पर आया हूं।
जब देखने की लालसा को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो भगवान ने कहा युद्ध में वही वीर योद्धा होगा जो युद्ध में युद्ध करेगा, लड़ेगा। तो क्या तुम लड़ोगे? राजा ने कहा मैं उस ओर से लड़ूंगा जो पक्ष हारता होगा। तो भगवान ने कहा भाई तुम अपनी योग्यता का परिचय दो। तो उस राजा के पास 3 बाण थे जो भगवान शंकर की तपस्या द्वारा प्राप्त किए थे। राजा ने एक बाण लिया, धनुष पर रखा और बाण को छोड़ दिया कि उस बाण ने एक पीपल के एक एक करके सारे पत्तों को भेद डाला और एक पत्ते को दाहिने पैर के नीचे छुपा लिया। जो तीर था वृक्ष के संपूर्ण पत्तों का भेदन करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर के ऊपर खड़ा हो गया। तब राजा ने भगवान से कहा कि आप अपने पैर को दूर करो, नहीं तो उस पैर का भेदन करता हुआ उस पत्ते का भेदन यह तीर करेगा। भगवान ने अपने पैर को हटा लिया, तीर ने पत्ते का भेदन किया और पुनः तरकश में चला गया। भगवान ने विचार किया कि हारेगा कौरव पक्ष और जीतेगा पांडव पक्ष, और वीर का कहना है कि जो पक्ष हारेगा, तो यदि यह वीर कौरव पक्ष से लड़ेगा तो युद्ध का परिणाम विपरीत होगा। तब भगवान ने प्रशंसा की कि तुम तो बहुत बड़े वीर हो, और जो वीर होता है वो दानी होता है, क्या तुम दानी हो? उन्होंने कहा हाँ मैं दानी हूँ, क्या चाहिए? उन्होंने कहा तुम दानी हो तो भिक्षा चाहता हूँ और भिक्षा में तुम्हारा शीश चाहता हूँ। राजा ने कहा मैं शीश दूंगा, पर मेरी लालसा है युद्ध को देखने की। युद्ध को देखने से पूर्व यदि मैंने शीश आपको दान में दिया तो मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, और जब मैं युद्ध नहीं देख सकूँगा तो मेरे मन को, आत्मा को, रूह को सुकून नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा ठीक, मैं तुम्हारे शीश को इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में पीपल के वृक्ष से टांग दूंगा और मस्तिष्क को दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा, जिससे यह शीश संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखेगा। तो राजा ने धनुष की डोर से शीश को काटा, भगवान को दिया। भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पीपल के वृक्ष से शीश को टांग दिया और शीश में प्राण डाल दिए, शक्ति प्रदान कर दी। शीश वहाँ पर युद्ध देख रहा है। अब जो धड़ था वो घोड़े पर सवार हुआ और अपनी दादी हिडम्बा अपने राज्य को चला। जब वो वहाँ से निकला, क्योंकि उसकी दादी ने कहा था बेटा तुम्हारा कभी शीश कट जाएगा और धड़ मेरे पास आएगा तो पुनः मैं शीश लगा दूंगी। इस मकसद से धड़ घोड़े पर सवार होकर चला। जब वहाँ से निकला तो वहाँ यहाँ से इस मार्ग से जा रहा था तो ये नदी किनारे, जब वो नदी को पार किया तो यहाँ पर नदी के में काफ़ी लोग पशु लेकर आए थे, घर पानी ले जा रहे थे, कोई नहा रहा था, कुछ भी नदी में कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों ने देखा तो वो डर गई कि देखो धड़ जा रहा है और शीश नहीं है। तो लोगों ने शोर किया तो वो धड़ आगे आता गया और यहाँ पर जहाँ ये मंदिर स्थापित है यहाँ पर वो धड़ गिर गया। गिरने के पश्चात धड़ पड़ा रहा और जो लोगों ने शोर मचाया था वो भय और डर के कारण भयभीत हुए और अपने अपने घर को चले गए। धड़ पड़ा रहा कुछ कालांतर। यहाँ पर इस मंदिर के परिसर के आगे पीछे जो उस वक्त की संस्कृति के, कल्चर के, समाज के लोग, मानव जाति के होंगे, उन्होंने देखा यह जंगल है, इधर खेती करने वो आते होंगे। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यह धड़ पड़ा है और वहाँ 3 स्टोन पत्थर ये शिवलिंग के रूप में अलग अलग नज़र आने लगे, तो उसने कहा ये तो भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए हैं। और वो भगवान भोलेनाथ की कल्पना करता हुआ उनको भगवान शिव के रूप में मानने लगा। और वो 3 जो पत्थर हैं जो शिवलिंग के रूप में वहाँ पर पाषाण के जो प्राकृतिक हैं, जिनको ना मैंने बनाया ना पूर्वजों ने बनाया, वहाँ दर्शन किए और वह उनकी सेवा अर्चना करने लगा।
पर जो लोग भय से व्याकुल होकर भागे थे और शोर मचाया था वो भी परेशान होने लगे और कालांतर में वो भी आकर जो खंडित शिवलिंग है उसको कुल रूप में उनकी मान्यता करने लगे। तब से वो दो कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं और उनको मान्यता करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तब से जो खंडित रूप है वो राजा का धड़का रूप में है और जो बीच का शिवलिंग है वो भगवान शंकर के शिवलिंग के रूप में है और जो बड़ा शिवलिंग है वो उनके अश्व घोड़े के रूप में है। इस प्रकार की मान्यता इस स्थान की है। उन लोगों को यह एहसास हुआ, अनुभव हुआ, उसके आधार पर वो सब लोग, समय बीतता गया, लोग आते जाते गए। तब से लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं। अब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में तीन चार पौड़ियाँ हैं, तो यहाँ पहले काफ़ी ऊंचाई थी, तालाब था और पहाड़ थे। तो यहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह के समय की बात है, ऐसा सुनने में आया है। तो उधर उनका जंगल है, इन शिवलिंग को उखाड़ कर हम नदी के किनारे स्थापना करते हैं, और वो खुदाई करते गए और शिवलिंग जमीन के अंदर जाते गए। फिर स्वप्न दिया कि हमने कहीं नहीं जाना है भोलेनाथ ने, फिर जहाँ पर वो शिवलिंग हैं वहाँ पर ही छोड़कर वो चले गए। इसलिए मंदिर ये डूंगा है। फिर भगवान शंकर के हजार नाम हैं, उसमें एक नाम आता है कामेश्वर। तो जो जिस प्रकार की श्रद्धा भक्ति से भोलेनाथ के दरबार में आता उसकी वह इच्छा पूर्ण होती है। तो कामेश्वर, काम जमा ईश्वर, मंदिर का नाम धीरे धीरे कामेश्वर हो गया। अब तब से लेकर समाज भी बढ़ता गया, व्यवस्थाएं भी बढ़ती गईं और धीरे धीरे अब यहाँ पर एक धर्म क्षेत्र और धाम, शिव धाम करके यह एक समाज में प्रतिष्ठा को पा रहा है। हजारों की संख्या में बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ भगवान शिव के दरबार में, कामेश्वर स्वामी के दरबार में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, जलधारा करते हैं। और यहाँ पर महाशिवरात्रि के समय एक विशाल लोगों का समागम होता है और इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम, यज्ञ, कथा, प्रवचन का कार्य चलता है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर भगवान कामेश्वर के दरबार में आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सब आनंदित होते हैं। और जो शीश है वो शीश खाटू श्याम जी का नाम सुना होगा आपने, जो राजस्थान में है, वह शीश वहाँ प्रकट हुआ। तो वो शीश को वहाँ पर तालाब में वो सिर प्रकट हुआ और वहाँ पर लोग उस स्टोन को ले जाकर वहाँ पर स्थापित हुए और वहाँ पर खाटू श्याम जी के नाम से वह स्थान चर्चित हुआ। कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने देखा, विचार किया कि हमने युद्ध में विजय प्राप्त की है, भगवान ने ऐसा अनुभव किया। तो भगवान ने विचार, हमारे रामायण में आता है कि निर्मल जन सो मोहि पावा, भगवान अपने भक्त के हृदय में किसी प्रकार का अहम नहीं रहने देते हैं। तो भगवान ने पांडवों से कहा, चलो भाई जिसने युद्ध को देखा है बताओ तुमने युद्ध में किस किस को मारा है। तो उन्होंने कहा, भाई हमने तो, हम ही ने युद्ध जीता है। भगवान ने कहा, चलो जिसने देखा है उसके पास चलते हैं। तो भगवान उस शीश के पास पांडवों को लेकर जाते हैं और शीश से बोलते हैं, तुमने युद्ध देखा है तो बताओ अर्जुन ने, नकल ने, भीम ने, सहदेव ने, अर्जुन ने किस किस को मारा है। तो शीश कहता है, ना मैंने किसी को मरते देखा है, ना यहाँ मैंने किसी को मारते देखा है, यहाँ तो मैंने सुदर्शन चक्र ही चलते देखा है। जब इस प्रकार का वक्तव्य भगवान ने पांडवों को कहा तो पांडवों के मन में जो अहंकार रूपी वृक्ष उत्पन्न हो चुका था वह समाप्त हुआ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वरः परमेश्वरः, इस प्रकार के भाव को जानते हुए उनका अहंकार समाप्त हुआ। तो वह स्थान है खाटू श्याम के नाम से। आज समाज में लोग बड़ी श्रद्धा से वहाँ हजारों लाखों की संख्या में जाते हैं। तो यह इस स्थान की कथा है, इतिहास है, जो महाभारत के साथ जुड़ा हुआ है। अब समय के आधार पर इस स्थान का विकसित तो होना ही है और इसका बड़ा विकास चलता है और यहाँ पर लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं। तो मैं
आपको यही कहूँगा कि जो व्यक्ति कामेश्वर महादेव के दरबार में नमस्कार प्रणाम करता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह स्थान की कथा है। बोलो कामेश्वर भगवान की जय। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इन मंदिरों में जा कर के खुद दर्शन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।